बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज जो वेदर है ना हमारे गांव का, वो बहुत ही खूबसूरत वेदर है। आपको पता भी है, जब हमारे गांव में बारिश हो जाती है फिर उसके बाद जो मौसम होता है वो बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है, जिसके बाद जो विजिबिलिटी है ना वो बहुत सुथरी हो जाती है, बहुत क्लीन हो जाती है। तो आज हम जा रहे हैं, जो हमारा प्लान है वो हमारे भाई बताएँगे आपको, उस्मान भाई। अच्छा, आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं आज की जो हमारी रूटीन है, वो सबसे पहले हम जाएंगे बर्बर के पास, और उसके बाद हमारे एक शॉप मशहूर है फ़िश की, तो हम वहाँ से फ़िश लेंगे और घर वालों को टेस्ट करवाएंगे कि वहाँ की फ़िश कैसी है। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ की बहुत अच्छी है, तो घर वालों को टेस्ट करा के उनसे रिव्यू लेंगे कि कैसी फ़िश है। और दूसरी एक और बात ये कहने जा रहा हूँ कि आज का जो मौसम है, सुबह उठे तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, तो हम चाह रहे हैं कि आज हम गाड़ी की बजाय पैदल चलें। और पैदल जाने से एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, दूसरा हम पूरा हफ्ता बैठे रहते हैं, इतना हम घूमते फिरते नहीं हैं, तो ये वीकेंड पे जो फिरते हैं तो इससे हमारे थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। और मेन बात जो है ना, वो आप लोगों को पता है कि आजकल जो किराए बहुत महंगे हो गए हैं, सो इतने रास्ता नहीं है लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि इससे पैदल ही जाएँगे ताकि पैसे की बचत हो जाए यार, कहीं और लगा लें। और हमने जो रास्ता चुना है जाने के लिए, वो हमने खेतों में से और जंगल में से और इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाई रोड हम नहीं जा रहे। रोड तो वो है ना, आपको पता है, रोड पे इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा, और हम इस तरह रास्ते में जाते जाते व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाए, तो अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन हम थोड़ी एहतियात कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है, और दूसरा जंगल वाला व्यू है, आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे दरख्त हैं, और इधर इतनी अच्छी हवा आ रही है, माशाल्लाह, फील सो गुड, आई फील सो गुड। एंड व्हाट अबाउट यू रिजवान भाई? यार, इट्स सो नाइस। और क्योंकि जो नेचुरल जो चीज़ होती है ना, मैंने पहले भी बताया था कि उसको आप कहीं भी फाइंड नहीं कर सकते दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएँ, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है उसकी खूबसूरती के साथ कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी दुनिया में आप देखें कितनी खूबसूरती है, लेकिन वो सारी आर्टिफिशियल है। तो हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में स्पेशली जो गांव देहात होते हैं, इनमें नेचुरली जो खूबसूरती होती है, आप देखें दरख्त होते हैं, और जो खूबसूरती का जो मेन राज जो होता है ना, वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ग्रीनरी और दूसरा सफाई। तो ये चीज़ हमारे गाँव में इंशाल्लाह मौजूद है। फ़िलहाल अभी ये गंदम की फसल मज़ीद टाइम लेगी, तकरीबन 4 मंथ, और ये 4 मंथ में कम्प्लीट होगी। तो And what is this? This is the waste material of the. नहीं, ये है, पता है आपको क्या? ये है इसकी खुराक, गंदम की खुराक है ये। इससे गंदम जो है ना, वो पावर में आएगी और थोड़ी सी बूस्ट होगी, ताकि ना जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी बड़ी होगी, और दाना जो उसका वो थोड़ा मोटा होगा। वो देखो, गंदम के ऊपर से डॉग ऐसे भागे हुए जा रहा है, ये देखो सारी गंदम ही खराब कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते इसको। यार उस्मान भाई, यहाँ से ना पानी में से एक जो पुल है पुराना, वो जो टूटा हुआ पुल है, दिल तो करता है उस पुल के ऊपर से चले जाए, लेकिन पानी बहुत ठंडा है यार, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा भी होता है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को फिशिंग का शौक़ है ना, तो ये वाली ये जगह है ना, इसकी जो फिश है ना, मैंने ख़ुद भी फिशिंग इसमें की हुई है, और इसकी जो फिश है ना, इतनी मज़ेदार है ना, यहाँ की जिसने फिश खा ली ना, वो कहेगा यार फिर और कहीं की टेस्ट ही नहीं मज़ा करता। तो माशाल्लाह से छोटी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जाल के साथ मछलियाँ पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी भी आती हैं, तो माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी मज़ेदार मच्छी होती है ना इसकी, तो आप देख सकते हैं इसका, आई थिंक अभी तो कुछ नज़र नहीं आएगी, लेकिन नहीं, लेकिन दिखा देते हैं, पानी है जो बह रहा है ना, मज़े का पानी है, और वो थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। और ये पकड़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ऐसे टाइम बहुत कंज्यूम करता है भाई, थोड़ा ख्याल करके आना, नीचे गंदम है। आजकल वैसे सर्दी है ना और पानी कम है, ये गर्मी में बहुत पानी होता है इसमें। यहाँ की एक मज़ेदार स्टोरी भी ये भी है कि एक दफ़ा मैं फ़िशिंग करने आया, तकरीबन 4 घंटे में बैठा रहा, मुझे कोई फ़िश नहीं मिली। फिश क्या कर रही थी, तो वो जो हमने इसका एक तरीका होता है ना, जो कुंडों के साथ हम पकड़ते हैं, उसको हम जब डालते हैं तो उसके ऊपर हम एक उसकी फॉर्म सी लगा लेते हैं, कि वो जब डिप करती है तो उसका मतलब है मच्छी ने वो पकड़ ली है। तो वो जब मैं कर रहा था, तो वो जब डिप करती थी तो मैं उसे निकालता तो वो खाली एम्प्टी होती, फिर डिप करती फिर एम्प्टी होती। मैं 3 घंटे लगातार ये चीज़ करके परेशान हुआ, एक दफ़ा मैंने कहा मैं खुद ही उतर जाता हूँ, खुद ही उतर हूँ मछली लेने लगे मुझे। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना, बंदा उतर के कैसे मच्छी पकड़ेगा इतने बड़े बड़े पानी में, लेकिन उस वक्त मैं नहीं, मतलब इतना तंग हो गया था, 3 घंटे लगा के ना कोई मच्छी नहीं आई, तो वो एक मेरे साथ बड़ा फनी ट्रेजिडी हुई थी यहाँ पर।
और उस टाइम आपकी एज क्या थी, किस एज में आप थे? मेरे साथ भी काफ़ी वाकया हुए हैं इसी जगह पे, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम आते थे जब हम छोटे होते थे, अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ना यहाँ पे फिशिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मेरी एज तकरीबन उस वक्त 14 ईयर थी, तो तकरीबन स्कूल टाइम था मेरा, तो उस वक्त आया था, वो भी घर वालों से छुप के, घर वाले नहीं छोड़ते थे। हाँ, जब हम छोटे होते थे इस पानी पे ना, ये जो पानी जो है ना अभी, तो यहाँ पे इतना गहरा पानी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे आप उस तरफ चले जाएंगे ना, वहाँ पर बहुत गहरा पानी है, तो वहाँ पर हमारे गांव के लड़के नहाने भी आते थे। हमारे घर वाले हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते थे यहाँ पर आने की, तो हम जब थोड़े बड़े हुए फिर उसके बाद हम यहाँ पर आना शुरू हुए। इसके अलावा हमारा दूसरी साइड पर ना दरिया है, इंडस रिवर है, तो वहाँ पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं असल में जब 9th क्लास में गया तो हमारा जो स्कूल था वो बिल्कुल इंडस रिवर के किनारे पर था, तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर जब स्कूल में गया तो मैंने वो इंडस रिवर देखा, उस टाइम देखा जब मैं 9th में था। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि जो पुराना पुल था उसे देखें, उस पर गाड़ी खड़े करके लोग अब अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, तो ये भी एक अच्छा यूज़ में आ रहा है पुराना पुल। ये जो उस तरफ जाने के लिए पहले जो पुल था ना, वो जहाँ पर जब गाड़ी खड़ी है ना, जिसके ऊपर से पानी आ रहा है, ये वो वाला पुल था। और अब जो बनाया है, मतलब ये ऊपर वाला जो पुल है, इसके तकरीबन 50 कितने हो गए उस्मान, 30 साल हो गए हैं तकरीबन। ये वाली जगह क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जब हम स्कूल में होते थे ना, उस वक्त गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एक बड़ी गाड़ी होती थी, उसे भरते भरते इतना टाइम लगता था कि हम पैदल भी अपने घर पहुँच जाते थे ना, तो जब हम वहाँ से आते थे तो इधर से सीधा रोड बाई रोड रास्ता है लंबा सा, तो हम इसको ऐसे शॉर्टकट लेते थे, यहाँ से उतरते थे, यहाँ से फिर अपने गाँव की तरफ जाते थे, इसी रास्ते से जाते थे जिस रास्ते से हम अभी आए हैं। तो हमने वो जो बचपन की याद है ना, वो थोड़ी ताज़ा की है, जो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उस रास्ते से आए, तो हमें वही चीज़ें याद आ रही थी जब हम बचपन में स्कूल से आते थे, तो जो फील होता था हमें। अब हम पुल पे आ गए हैं। वैसे एक ब्लॉग में उस्मान ने कहा था कि पानी की जो इतना साफ़ है ना, कि उसकी जो नीचे ज़मीन है वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें, आज बहुत ही इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत क्लियर है, आप लोग देख सकते हो बाकायदा वो नीचे नज़र आ रही है, और आज पानी भी बहुत कम है ना। जी तकरीबन 24 ईयर हो गए, तो मैं जो बता रहा था आपको 30 साल हुए हैं, लेकिन 30 साल नहीं हुए, आई वॉज रॉन्ग, तो ये तकरीबन 1999 में बना है। यार मछलियाँ वैसे महंगी हो गई हैं, वो 400 से 500 में हो गई, ये 600 में चली गई, ये पहले 400 में थी ना, ये भी 400 में थी और ये 600 में चली गई, और ये बाकी वो पंपलेट ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। हम कम्प्लीट करते हैं डन, तकरीबन कितना करेंगे जितना भी करते हैं वो कम्प्लीट सही होती है, क्योंकि उसमें हाँ ठीक है। बाकी यार बाकी खाते रहते हैं, लेकिन हमें वो उसका जो टेस्ट ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी बहुत तब खाई है, लेकिन दिल तो करता है यहाँ से एक उठा के ले जाऊँ। भाई पत्थरों में कुछ नहीं है, वो आगे जाओ। गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस ऑफिस, ठीक है, तो सुबह सुबह का टाइम है और सूरज तो आज बहुत जल्दी निकला है, लेकिन आज ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो चीज़ पड़ी हुई है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड। हम इसे वैसे कोरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो इसे। उस्मान भी वो आगे आगे जा रहे हैं मुझसे, तकरीबन पहुंच चुके होंगे स्टॉप पे, मैं अभी जा रहा हूँ।